दोस्तों ये दुआ गांव है, पूरे बिघोर बलरामपुर बारसोई का सबसे प्रतिष्ठित और पुराना गांव में से एक गांव है। यहां पे ये जो मदरसा है, मस्जिद है, ये बहुत ही पुराना है और यहां की आवाम, यहां के लोग की मदद से, ताउन से ये मदरसा मस्जिद चलता है, बनता है, काम होता है। बगल में भी मस्जिद मदरसा है, यहाँ भी है। ये बड़ी तादाद में यहाँ आबादी है और लोग दिलदार हैं, बहुत ही मेहनत करने वाले हैं, तो यहाँ मदरसा और मस्जिद और अपना इंतजाम करते हैं। लेकिन अफसोस, आप देखिए, मदरसा का काम है, मदरसा का काम है मदरसा के बच्चे को पढ़ाना, मदरसा का काम है मदरसा के बच्चे को पढ़ाना, ना कि मदरसा का काम है बिहार सरकार का काम करना या केंद्र सरकार का काम करना। ये नदी है मदरसा के साइड में, ये देख लीजिए, ये नदी है। ये इन लोग मदरसा वाले लोगों ने अपने पैसे से इन्होंने दीवाल करा के यहाँ, क्योंकि मदरसा इनका बहुत यहाँ पर एज पर है, तो नदी जो है वो मदरसा को, मदरसा के बिल्डिंग को या मस्जिद के बिल्डिंग को, दीवार को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इन लोगों ने अपने से दीवार बनाया था, लेकिन बिहार सरकार से इन लोगों ने हजारों बार एप्लीकेशन दिया, हजारों बार लिख के दिया, एक से एक एमपी एमएलए तोप सब आए, एक से एक लोग आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यही कोई मुआवजा भी नहीं मिला और कोई मदद भी नहीं आई। नीतीश कुमार की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, कम से कम उनसे गुजारिश है वो करे। यहाँ के माननीय सांसद हैं, विधायक हैं, सरकार में भी आप रहे, सरकार से बाहर भी इतने बड़े सांसद यहाँ के हैं, लेकिन काम यहाँ का कुछ नहीं। यहाँ के आवाम का कहना है कि हम लोग को दिया कीजिए, रहम कीजिए, कम से कम इस मदरसा को बचाइए। यहाँ के इलाके का जो गांव कट रहा है, जो मकान गांव के गरीबों लोग का कट रहा है, कितना लोग, गरीब लोग अपना पैसा से दीवार देगा ताकि नदी वो, ये सरकार का काम है, ये बिहार सरकार का काम है और केंद्र सरकार का टैक्स लेती है। हम वही गुजारिश करते हैं कि इस मामले में बिहार सरकार और वक्त के जल संसाधन मंत्री हो, डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्री हो, इसको संज्ञान ले। हम भी ये मुद्दा को इंशाल्लाह बिहार के अख्तरुल ईमान साहब के जरिए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जरिए केंद्र में हम उठवाएंगे और बिहार सरकार के सामने उठाएंगे। हम लोग ये मदरसा चल रहा है तो गांव वाले ने मिलकर ही चला रहे हैं, कम से कम 25-30 साल से ही मदरसा चल रहा है। तो एक सामने नदी है, तो नदी का कटाव में जो है टूट जाता है, गिर जाता है, बार बार हम लोग बनाते हैं। अगर ये मदरसा है, अगर सरकार से हम लोग मांगते हैं, किसी को बोले भी, हम लोग दरखास्त दे चुके हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग सोचते हैं जो है कुछ हम लोग दे दे, मदद कर दे, तो हम लोग बन जाएगा।